नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। दोस्तों काफी भयंकर तेजी देखने मिला है पिछले कई महीनों से, इसमें इतनी तेजी है कि ये इन्वेस्टर को 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। चलिए हम आपको चार्ट पर दिखाएंगे इसमें कितनी तेजी है। इतना तेजी रिलायंस में आपने कभी नहीं देखा होगा, चाहे आप रिलायंस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल में कभी भी इन्वेस्ट किए हो, चाहे 20 साल में पहले कभी भी आप इसमें तेजी देखे हो, लेकिन इतनी तेजी आपको रिलायंस इंडस्ट्री में कभी देखने नहीं मिला होगा। तो चलिए हम इस चार्ट पर बात करेंगे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्या लेवल्स, क्या टारगेट होगा रिलायंस इंडस्ट्री में आपके इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों ये है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट। तो यहाँ पर हम जीरोधा में ये चार्ट देखते हैं। अगर आपने अभी तक जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक से जाइए, जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। डिलीवरी में कोई चार्ज नहीं है। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो हमारा रिलायंस इंडस्ट्री है इसमें जो गिरावट आया था वो 800 से भी नीचे जा चुका था, 800 से भी नीचे, समझ सकते हैं 800 से भी नीचे। और अभी करेंट प्राइस आप देखेंगे तो करेंट प्राइस जो क्लोज हुआ है देखते हैं 1878 रुपीज, मतलब 1878 रुपया पे ये क्लोज हुआ, 1878 रुपया, समझ सकते हैं ये 1900 के आसपास है। तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर आप ये दिया है। यहाँ पर देखते हैं एक ही कैंडल यहाँ से जो बना है यहाँ पर 2 डेज में ये 1800 से 1878 पर जा चुका है। तो बहुत सारे ब्रेकआउट इसमें देखने मिले। यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया तो डायरेक्ट ये, मतलब यहाँ 900 से ब्रेकआउट दिया तो डायरेक्ट ये पहुँच गया एक ही, मतलब 1 डे में ये पहुँच गया 1136 रुपये। फिर यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आता है, फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट किया तो डायरेक्ट पहुँच गया 1200। 1200 से जब ब्रेकआउट किया तो ये डायरेक्ट पहुँचा 1600 रुपया। कब? जब इसमें जियो का इन्वेस्टमेंट आया। और यहाँ पर आप देखते हैं गैप अप ये ओपन हुआ था। बहुत सारे आपको टेक्निकल एनालिसिस वाले बोलेंगे ये अगर गैप अप हुआ है तो इसको फिल करेगा, इसको फिल करेगा, इसको फिल करेगा, मतलब नीचे आएगा स्टॉक। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब ब्रेकआउट हुआ इसमें इतना, मतलब इसके पीछे स्ट्रॉन्ग न्यूज था कि ये फिर से पीछे वापस नहीं देखा रिलायंस, क्योंकि एक पर एक इन्वेस्टमेंट इसमें आता गया, रिलायंस ब्रेकआउट देता गया। यहाँ से फिर इसमें थोड़ा सा करेक्शन आया और ये 1400 के आसपास आया। फिर यहाँ से 1400 से जब ये ब्रेकआउट दिया तो अभी आप देख सकते हैं ये 1900 के आसपास है, 1900 के आसपास है ये स्टॉक्स। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है ये। अब इसमें क्या लेवल्स होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए? देखिए इसमें अगर हम लेवल्स की बात करें, मतलब और टारगेट की बात करें, तो जो टारगेट है इसमें ऊपर टारगेट ये 3000 तक जा सकता है। लेकिन अगर पेट्रोकेमिकल का बिजनेस, रिटेल का बिजनेस ये सारा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अभी सारे बिजनेस इसके प्रभावित हैं, सिर्फ जो जियो का बिजनेस है वो अपने ऑपरेशन मोड में है, तो जियो में प्रॉफिट बढ़ेगा, पेट्रोकेमिकल्स रिटेल में प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो जो पेट्रोकेमिकल्स है और जो रिटेल बिजनेस है उसके कारण इसमें इफेक्ट देखने आपको मिल सकता है। लेकिन जो और बिजनेसेस है, जो इसके और सारे भी कई कंपनियां हैं, जैसे आलोक इंडस्ट्री है, नेटवर्क 18 है, वो सारा बिजनेस अभी चल रहा है इनका। साथ ही साथ जियो का बिजनेस जो वो भी काफ़ी लॉकडाउन में इंक्रीज हुआ है, वो बिजनेस भी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। जो जियो का बिजनेस है और एयरटेल, दो ही कंपनी अब मार्केट में धीरे धीरे बच रही है, तो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है इस बिजनेस में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन बिजनेस होते जा रहा है रिलायंस का। साथ ही साथ रिटेल में भी ये आप व्हाट्सएप के साथ, मतलब फेसबुक के साथ जो बना चुका है अपना प्लानिंग रिटेल बिजनेस में आने का, वो भी बिजनेस काफ़ी बेहतरीन कर सकता है आने वाले समय में। तो ऊपर का जो टारगेट है, आप लॉन्ग टर्म में बात करें 3000 के टारगेट है, और नीचे की बात करें तो नीचे इसका फर्स्ट जो सपोर्ट होगा वो 1700 होगा। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो दूसरा सपोर्ट इसमें जो आपको देखने मिलेगा वो 1500, उससे जो नीचे सपोर्ट होगा 1400। 1400 से नीचे आपको ये स्टॉक्स नहीं मिलेगा, 1400 से नीचे ये स्टॉक्स नहीं मिलेगा। ये तभी मिल सकता है जब मार्केट क्रेश हो जाए। जैसे आप यूट्यूब पर खाड़ी बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे मार्केट क्रेश होगा, तो मार्केट क्रेश होगा तभी आपको ये 1400 से नीचे के प्राइस पर देखने मिल सकता है। अदरवाइज ये स्टॉक्स आपको 1400 से नीचे के प्राइस पर कभी भी देखने नहीं मिलेगा। तो ये है इसके लेवल्स,
टारगेट सपोर्ट, तो सपोर्ट आपने सबसे पहला देख ले 1700, अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये 1500 दूसरा सपोर्ट इसका बनता है, और सबसे जो मेजर सपोर्ट है वो है 1400। इसके नीचे ये स्टॉक्स तभी आपको मिल सकता है जब मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट, और ये अभी का जो प्राइस है ये देखते हैं 200 डे का जो मूविंग एवरेज है इसका, 200 डे का मूविंग एवरेज मात्र है 1453, और जो 100 डे का मूविंग एवरेज है 1509। तो समझते हैं सारे मूविंग एवरेज से ये स्टॉक्स काफ़ी ऊपर है, तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने। जैसे इसमें मतलब डेब्ट फ्री होने का जो प्लान है उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट आया इसके जियो में, मतलब जो सब्सिडी है या कहे पार्ट है रिलायंस का जियो इन्फोकॉम, उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट आया जिसके कारण बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला। अब यह RSI की बात करें, RSI थोड़ा सा 70 के ऊपर जा रहा है, मतलब RSI 72 हो चुका है, तो RSI आपको ओवरबाउट होने का संकेत दे रहा है। तो RSI का भी आप मतलब RSI का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी है ओवरबाउट का, ऊपर की ओर RSI लगातार दिख रहे हैं, ओवरबाउट का सिग्नल दे रहा है। तो RSI का जो सिग्नल है, जो RSI का सिग्नल है इसमें आप ओवरबाउट का ये सिग्नल दे रहा है, तो आप यहाँ पर जो है अब अपना इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अभी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट रोक दें, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें, मतलब जो इसका RSI है उसका स्ट्रेंथ में वीकनेस आने दें। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं टिकर टेप के वेबसाइट पर, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इन्वेस्ट इसका रिटर्न है डिफरेंट डिफरेंट टाइम होराइजन पर। जैसे अगर हम वन डे में रिटर्न देखें तो एक दिन में देख सकते हैं 3% का रिटर्न, वन डे में 3% का रिटर्न। अगर हम वन वीक में देखें तो वन वीक में भी देख सकते हैं 5.16% का रिटर्न, वन मंथ में देखें तो वन मंथ में 22.27% का रिटर्न, वन ईयर में देखें वन ईयर में 48% का रिटर्न, फाइव ईयर में देखें फाइव ईयर में 276% का रिटर्न, मैक्सिमम ईयर में देखें तो मैक्सिमम ईयर में भी काफ़ी बेहतरीन 3000% का रिटर्न। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स हैं, बस आपको इन्वेस्टमेंट जो करनी है इसमें थोड़ा सा करेक्शन का वेट करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब ब्रेकआउट दिया है। अब अगर बात करें, अगर वन ईयर में आप देखेगा जो वन ईयर में जो इसमें लॉकडाउन के कारण मतलब जो पैंडमिक सिचुएशन उसके कारण जो यहाँ पर गिरावट आया था, ये 900 से भी नीचे जा चुका था 875, वहाँ से देख लीजिए 114% का रिटर्न, देख लीजिए 114% का रिटर्न। तो इतना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है मात्र कुछ ही महीनों में, मतलब मार्च 23 से लेकर अभी जुलाई तक में। तो अब आपका इसमें इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें, जैसे ये 1600 उससे नीचे आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट के डायरेक्शन का ध्यान अवश्य रखें। मार्केट में अगर बहुत बड़ा फॉल आता है तो निश्चित है इस स्टॉक में भी आपको करेक्शन आएगा, तो ये स्टॉक्स आपको 1400 के आसपास मिल सकता है। जैसे 1400 उससे नीचे आता है तो हम भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, हम भी इसके करेक्शन का वेट करें इस स्टॉक के नीचे आने का, क्योंकि ये ज़बरदस्त स्टॉक है और रिलायंस ग्रुप आगे बहुत बड़ा ग्रुप बनने जा रही है, क्योंकि ये अब जो है अब मीडिया सेक्टर में आलोक इंडस्ट्री, इधर रिटेल, इधर जियो, बहुत सारी कंपनियां हैं जिस जो कि इसका हर सेक्टर में मतलब टॉप क्लास रूप से बिजनेस कर रहा है। तो टॉप क्लास रूप से बिजनेस कर रहा है इनकी सारी कंपनियां, तो निश्चित है कि आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।